तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मूले के ऊपर। हमने अभी तक ये फॉर्म कैटेगरी वाइज फॉर्मूले को पढ़ा, जिसमें हमने सार मोस्टली 200 के आसपास फॉर्मूले कवर किए। अब हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट हम फॉर्मूला मेनुवार में हम बात करेंगे डिफाइन नेम के बारे में कि डिफाइन नेम का क्या इस्तेमाल है। जैसे अगर आपने कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, अब मुझे सम करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको रेफरेंस देंगे, तो A1 से A5। किसी अलग शीट पे करना है तो पूरा सीट रेफरेंस यहाँ पे आएगा सम में, या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हमें पूरा का पूरा देना पड़ेगा एड्रेस के साथ। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो, या कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पर फ्रीजिंग वगैरह की दिक्कत होता है, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिफाइन नेम दे दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए। जैसे मैं नाम डाल दिया इसका डेटा। अब एक्सेल इसको डेटा के नाम से जानेगा। किसी भी सीट पे जस्ट आपको सम करने के लिए क्या करना होगा, डेटा करना होगा। ओके, तो आपको जस्ट डेटा करना पड़ेगा। तो डेटा आपने किया और यहां पे आपका आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ डेटा जो होते हैं सीट पे नहीं रखने होते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ कोड डेटा कोड्स है, तो मैं डिफाइन नेम में यहाँ पे मैं दे दिया DT के नाम से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रैकेट में जैन कॉमा यहाँ पे हमने किया, और कॉमा नहीं होगा, माफ कीजिए, सेमी कॉलन होगा, क्योंकि एरे फॉर्म में दे रहे हैं हम सेमी कॉलन। हर क्वार्टर का फर्स्ट वीक देना चाहता हूँ, फर्स्ट मंथ सॉरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर। और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो आपने देखा, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से हमने किया, दिख रहा है, या फिर मैं इसको मैग्नीफाई कर दूँ। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। देख, तो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जैन अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर डाल दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो याद होगा मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमने चूज का फॉर्मूले में रखा था। जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे क्वार्टर्स हो गए, क्वार्टर वन, तो चूज के फॉर्मूले के अंदर में चूज हमने दिया, चूज के फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे दे दिया डेटा डीटी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने यहाँ पे सेमी कोलन लगा रखा था। अगर मैं सेमी कोलन जो होता है रो वाइज होता है, अगर आप यहाँ पे कॉमा कर दें तो एक कॉलम को सेग्रीगेट करता है, समझे। तो इस तरह का डेटा उसके अंदर में आप डाल सकते हैं, कहीं भी कुछ लिखना हुआ तो उसके अंदर डाल सकते हैं कोई भी डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर स्लैब है, वी लुकअप में हम याद होगा स्लैब का इस्तेमाल हमने किया था ना सर। तो यहाँ उस स्लैब, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि 0 to 40, 41 to 80, 81 to 100 और ग्रेटर देन 100। तो इसके लिए आपने हमने क्या किया था, हमने इसके लिए लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल किया था। वी लुकअप हमने सेलेक्ट किया कॉमा, और हमने इसमें ए दे दिया था यहाँ से कि 0 हो 41 हो 81 हो एंड 101 हो। तो ये चीज़ें हमने की, या एक डेटा सेल पे रखा था हमने। इस चीज़ को भी हम जो है डायरेक्ट
वी लुकअप के अंदर रख सकते हैं। कैसे रखेंगे चलिए हम बताते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ बड़े में, फिर वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0,500, फिर सेमी कॉलन 40 कॉमा, ठीक है, रो के लिए देना है कॉमा कॉलन सेमी कॉलन एंड कॉलन के लिए देना है आपको कॉमा, इसका ध्यान रखिएगा। 1000 यहाँ पे, फिर 81 कॉमा 2000 एंड 101 कॉमा 365 राइट कली भाई के। अब ये चीज़ हम डायरेक्ट वी लुकअप में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट वी लुकअप में इसको ना डालेंगे, हम डालेंगे नेम मैनेजर में। मान लीजिए डीटी है, हम डीटी को ही रिप्लेस कर देते हैं। इसको हमने पेस्ट किया, डबल कॉमा है और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करूँगा, डीटी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दूसरा नंबर कॉलन और यहाँ पे वन कर दूंगा। तो डेटा हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डेटा को हमने नेम मैनेजर में एरे फॉर्मेट के अंदर में डाल दिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, क्या आपका फॉर्मूला बुरा नहीं हुआ, ठीक है सर? ओके, मतलब कॉलम जो है वो अपन ने नेम हाँ, मुझे यहाँ बाहर डेटा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने फॉर्मूले के अंदर ही डेटा मेनू बार में रख दिया। ओके, समझ गए? हाँ सर। अब क्या अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है, क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट ये रख सकते हैं, मतलब कि सिर्फ डेटा ही रख सकते हैं या कैलकुलेशन भी रख सकते हैं? जी हाँ, कैलकुलेशन भी रख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वार्टर वन है, यहाँ पे क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन की सेल मान लीजिए 50 है 60 है, आपको यहाँ ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ का एक लेंथी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को डायरेक्ट जो है आप यहीं पर कर सकते हैं। क्वार्टर यहाँ इसको सेलेक्ट किया, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने डिफाइन नेम सिलेक्शन हमारा वही रहना चाहिए, ठीक है ना? जी आर एच के नाम से हमने यहाँ पे नेम बना दिया जी आर एच, और फॉर्मूला हमने यहाँ दे दिया। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला देते समय इसमें डॉलर साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉलर साइन जब होगा तो भी फिक्स हो जाएगा ना, यहाँ डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। देन ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जी आर एच आ गया। ओके, हाँ समझो, समझ गए? हाँ, कहीं भी जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे है हमारा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी आर एच, हो गया? ओके, तो इस तरह का कैलकुलेशन भी आप तैयार कर सकते हो। कहीं क्या होता है कि जो बड़े बड़े आप याद होगा, मैंने बड़े बड़े लेंथी फॉर्मूले वगैरह बताए हैं, उन फॉर्मूले को हम यहाँ ईजली रख सकते हैं, उन फॉर्मूले को यहाँ पे हम ईजली रख सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इस फिट, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। ओके, इसके दो फेस है, एक होता है डेटा स्टोरेज जो कि मैंने आपको बताया, दूसरा होता है कैलकुलेशन, और इसका मदद हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। याद होगा आपको पिक्चर लुकअप की क्लास याद है ना? हाँ, उसमें भी हमने नेम मैनेजर का इस्तेमाल किया था। हाँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आज कुछ लोग आए भी नहीं हैं, तो मैं चाहूंगा इसकी प्रैक्टिस